काकास कैफे एंड फैमिली रेस्टोरेंट, जहां आपको आपकी पूरी फैमिली के लिए मिलेगा निमाड़ का अपना स्वाद। अंबाड़ी की भाजी, ज्वार की रोटी, दाल बाफले और तमाम स्नैक्स जैसे सैंडविच, चाइनीज और तंदूरी चाय। तो चले आइए हमारे पते पर, इंदौर रोड, खंडवा। बूंदी के जंगलों में कुछ दिनों पहले इंदौर के ठेकेदार की मिली लाश के मामले में खंडवा पुलिस द्वारा खुलासा कर दिया गया है। इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं वह मृतक के दोस्त हैं और सब्जी बेचने का काम करते हैं। इन तीनों ने ही आकर पैसे की लालच में उक्त ठेकेदार की हत्या कर दी थी। ठेकेदार इंदौर के मूसाखेड़ी क्षेत्र का रहने वाला था और इससे उसकी पुरानी मित्रता थी। इस पूरे मामले का खुलासा खंडवा SP विवेक सिंह ने किया। केनूद ऐसा कोई वो उस रास्ते पे लगा था, ला रहे थे उसको और फिर उनको केनूद के आसपास लगा कि यहाँ पे ज़्यादा कोई वो नहीं है, लोग नहीं मिलेंगे यहाँ पे, हम आसानी से उसको मर्डर करके वहाँ से निकल सकते हैं। उस प्रकार तीनों काम सब्जियों फल बेचने का काम करते। सर हत्या किस तरह की थी इन्होंने? सर हत्या यानी कि हत्या उसमें गर्दन पे वार करके और चेहरे पे वार करके इन्होंने हत्या करी थी। केनूद ही स्पॉट था सर मर्डर का? मर्डर स्पॉट वही जहाँ बॉडी मिली थी वही स्पॉट मर्डर। और जो नारियल वगैरह काटने के लिए जो हथियार वो यूज़ होता है आधा आधा, उसी दो तरह के उससे उन्होंने मर्डर किया था। सर सनावत में ये लोग जुआ सट्टा खेलते हैं, सनावत क्योंकि खंडवा से लगा हुआ है, मोटक्का चक क्षेत्र भी आता है, तो वहाँ पर अक्सर वो मतलब स्विचिंग करते रहते हैं काफ़ी बड़ी बड़ा। बिल्कुल, इसमें ये पूछताछ होगी कि कहाँ पे अगर कहीं जुआ हो रहा है तो बड़े कहाँ पे हो रहे हैं, अगर कुछ ऐसी इनकी जानकारी होगी। और इनको ये अंदाजा था कि ये जो मृतक है ये जुआ खेलने का आदि है और इस क्योंकि इसके पास पैसे हैं तो इसको हम जुए के लिए बुलाएंगे तो हो सकता है संभवतः ज़्यादा रकम लेके आए। इन्होंने इससे बोला था कि 1.5 लाख रुपये लेके आना और अभी जो हम पूछताछ बता रहे हैं तो उसके पास इनको 50,000 रुपये मिले थे। अपराधी रिकॉर्ड नहीं है कोई, पहले भी आ चुके थे ये लोग जुआ खेलने इकट्ठे, यहाँ पर नहीं आए, इस साइड नहीं आए। इस बार इसको जो पुस्तक में बताया कि इनको जो मृतक है उसको कहते हैं कि हम कहीं नई जगह चलेंगे और वहाँ पे हम जुआ खेलेंगे, वहाँ पे बड़ी बाजी लगी तो आप 1.5 लाख रुपये लेके आने, इस टाइप से उसको बेला फुसला के वो किया था। 1.5 लाख दिनांक 14 फरवरी को थाना मुंदी के केनूद के जंगल में एक बॉडी मिली थी जिसके चेहरे, गर्दन, सर पे काफ़ी वार थे और चेहरा को क्षतिग्रस्त भी किया गया था ताकि उसकी आसानी से पहचान न हो सके। लेकिन तत्काल ही बूंदी पुलिस एक्टिव हो गई थी और लगातार प्रयास करने के बाद हमको जो मृतक था उसकी पहचान हो गई। सुभाष पिता गेंदालाल शादे 40 वर्ष निवासी इंदौर के रूप में, और जिसके बाद पुनः सारी टीम्स एक्टिव होके इसमें 302 पहले उसमें कायम किया गया प्रथम दृष्टया और उसके बाद सभी टीम्स एक्टिव होके मर्डर के आरोपियों तक पहुंचने के लिए लग गए। सभी एंगल्स पर इसमें जांच की जा रही थी और जिसके आधार पर विवेचना के आधार पर हमको इसमें 3 आरोपियों के द्वारा ये घटना कारित करना इसमें पुष्टि हुई और जिनको हमने गिरफ्तार किया, दीपक लोहंशी, सूरज प्रजापति और छोटू कुशवाहा। इन तीनों के द्वारा पैसे के लिए मृतक को मर्डर करना पाया गया और इनके द्वारा प्लानिंग के तहत उसको मृतक को ये बोला गया कि जुआ खेलने कहीं चलेंगे और कम से कम 1.5 लाख रुपये लाना ताकि एक बड़ा जुआ वहाँ पर खेला जाएगा और फिर वहाँ पे उसको बुला के उसके जूस में उन्होंने नींद की दवाई मिलाना बता रहे हैं और जो कि सारी चीज़ विश्रा वगैरह जब जाएगा तो उसमें जांच में और क्लियर होगा। उसको जब हल्का होश कम हो गया तो उसको केनूद के साइड जंगल में ला के उसका वहीं पे मर्डर किया, बॉडी डंप किया उसकी और जो फ़ोन और बाकी चीज़ें थी बिलोंगिंग तो उसको कहीं जाके खाई में फेंक दिया है। और इन तीनों से हमें अभी हथियार वगैरह इनके जब्त हुए हैं, हथियार का यूज़ जो फल फ्रूट काटने के लिए या नारियल काटने के लिए जो यूज़ होता है चाकू बड़ा वाला उसको उससे मर्डर करना बताए हैं और एक ट्राउज़र भी जब्त हुई है और बाकी अभी चीज़ें विवेचना में है। सर इसको साथ में कहां से लेकर के आए थे ये लोग? इसको इंदौर से ही साथ में लेके आए हैं। इंदौर में ये 4-व्हीलर से मूसाखेड़ी चौराहे तक आया था अपनी गाड़ी से, वहाँ से फिर इसको अपने साथ 2-व्हीलर भी लिया है और फिर वहाँ से साथ में लेके आए हैं। एक लेकर आया है आपके लिए आवासीय मेला दिनांक 24-25। शहर में दिन दहाड़े एक कार से लाखों रुपए उड़ाने का मामला सामने आया है। घटना शहर के बजरंग चौक क्षेत्र की। जानकारी के मुताबिक शहर के बजरंग चौक क्षेत्र में एक कार इलेक्ट्रॉनिक लाखों रुपए संचालन करने वाले राजेश वर्मा इंदौर जाने से पहले अपनी दुकान में आए और इस दौरान रुपए से भरा बैग उन्होंने गाड़ी हवालदार व दुकान से पकड़ा। इतनी ही पुलिस